ये देख रहे हैं दोस्तों, हमारा गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बना हुआ है। सारा रस अब्सॉर्ब कर लिया है वो, और रस एकदम अंदर तक जाकर मिल गया है। तो आज मैं आपके साथ इसी जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी खुद की रेसिपी है, और अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका भी गुलाब जामुन ऐसे ही खिला खिला और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो मैं आज गुलाब जामुन ना मावा ना ही मिल्क पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। मैं ये मार्केट से लेकर आई हूँ गिट्स पाउडर या गुलाब जामुन का, मैं इससे बनाऊँगी। तो एक बड़े से बर्तन में हम इसे पहले निकाल लेंगे, और अब हमें इसके जो लम्ब्स हैं वो इसके तोड़ने हैं। तो इस तरीके से हाथों से मसल के इसके लम्ब्स को हम निकाल लेंगे। यहाँ मैं एक छोटी गिलास दूध ले रही हूँ, और इसे हम दूध से ही मिलाएंगे। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे हम मिलाएंगे। याद रहे, हमें दूध एक ही बार नहीं डालना है। इस तरीके से जो पाउडर, जो मिक्सचर है, वो बहुत गीला हो जाएगा, और उससे जो गुलाब जामुन बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे और रस अंदर तक नहीं पहुँचेगा। तो हम इसमें हल्का हल्का दूध मिक्स करके और अच्छे से इसे हम गूँध लेंगे। आप देखो कि धीरे धीरे जो पाउडर है वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इसे मिक्स करने में हमें कम से कम 10 मिनट लगते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पाउडर जो है वो हाथों में चिपकता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा रहे हैं, ताकि जो जो हम लोगों ने इसे मिलाया है ये हमारे हाथों में चिपके ना, और इसे गूंदने में भी आसानी हो। ये कुछ देर के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे अच्छे से मिल जाता है। इसे हम अच्छे से मसल मसल कर गूंद लेंगे। एकदम सॉफ्ट डो चाहिए हमें इसके लिए। ये थोड़ा सा हम घी अपने हाथों में और लगाएंगे। ये देखिए, हमारा जो आटा था, जो मिक्सचर था, वो अच्छे से घुल चुका है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg चीनी लिया हुआ है, और 1 kg चीनी में मैं 2 बड़ा गिलास पानी डाल देती हूँ, मतलब कि आधा लीटर पानी इसमें हम डाल देंगे। यहाँ मैं कुछ इलायची के टुकड़े क्रश करके डाल दे रही हूँ। अब हम थोड़ा सा घी हाथ में लगाएंगे, और गुलाब जामुन जो हम लोगों तैयार किया है इसे हम अच्छे सा गोला गोला शेप दे देंगे। इसे हम हल्के हाथों से राउंड राउंड शेप देंगे। ध्यान रहे इसमें दरार ना पड़े, और अगर थोड़ा सा हमारा जो ये सॉफ्ट नहीं भी होता है, फिर भी रसगुल्ले हमारे अच्छे ही बनेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह आएगा। यहाँ हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, चाशनी हमें एक तवे वाली नहीं चाहिए, चाशनी हमें बस गाढ़ी चाहिए। तो चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब चाशनी हाथ से चिपकने लगे तो आप समझ जाएं कि चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हम सारे गुलाब जामुन को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हमें कढ़ाई में घी या फिर रिफाइंड ऑयल गरम करना है। हमारा फ्लेम एकदम लो रहेगा, और इसमें हम एक एक करके डाल देंगे गुलाब जामुन,
और याद रहे कि एक बार में कढ़ाई में 5 से 6 ही आप डालें, ज़्यादा अगर डालेंगे तो गुलाब जामुन चिपक जाएगा और वो फूलेगा नहीं। तो इसे हम एकदम अच्छे से चला चला कर और पकाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए। कुछ ही देर में देखोगे कि गुलाब जामुन एकदम अच्छा से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हमें चलाते रहना है, अगर हम छोड़ देंगे इसे तो ये जल सकता है अंदर से। ये देखिए हमें गुलाब जामुन का कलर डार्क ब्राउन चाहिए, तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करेंगे जब तक कि हमें वो कलर ना मिल जाए। ये देखिए बिल्कुल इसी कलर का हमें गुलाब जामुन चाहिए होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे। हम इसे गर्मा गर्म चाशनी में डिप करेंगे और इसी तरीके से अपने सारे गुलाब जामुन को हम छानकर और गर्मा गर्म चाशनी में डुबो देंगे और इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए जो हमारा गुलाब जामुन अपने साइज से वो डबल हो चुका है, वो फूल चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बना हुआ है हमारा गुलाब जामुन। और चाशनी अंदर तक घुल चुकी होगी इसमें, अभी तक इसका साइज़ भी डबल हो गया है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आसानी से ये कट जा रहा है। ओए होए होए क्या टेस्टी बना है गुलाब जामुन। ये देखा आपने, जो इसका शीरा है वो अंदर तक जाकर घुल चुका है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, फेस्टिवल का सीज़न है और इसे आप खाएं, बहुत मज़ा आएगा। खिलाएं अपने घर वालों को, सब बहुत खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।